हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेल फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बालों के झड़ने से संबंधित जितनी भी तमाम समस्याएं हैं, जैसे कि बालों का पतला होना, बालों का आगे से झड़ना, दो मुहे बाल होना, बालों में डैंड्रफ होना, तमाम जितनी भी समस्याएं, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। अगर आप इन टिप्स को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, 100% आपको फ़ायदा होगा। लेकिन टिप्स को अच्छे से फॉलो करें और वीडियो को ध्यान से सुने, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बालों के झड़ने का सबसे पहला कारण ये रहता है कि तो आपके रूट्स होते हैं, बालों की जड़ होती है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं पहुँच पा रही होती है। तो उसके लिए क्या करें, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये सरसों के बीज है। आपको क्या करना है, प्योर मार्केट से सरसों के बीज लेके आने। आपको ऑयल नहीं लाना है, क्योंकि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो 100% प्योर है या फिर उसमें कुछ पैराफिन वगैरह मिक्स किया है। तो आपको सरसों के बीज लाने हैं। आपको कोई भी घानी में जाना है, जैसे आसपास आराम से मिल जाती हैं कच्ची घानी, है ना, आपने देखा होगा जहाँ पे तेल निकालते हैं, वहाँ पे जाके खुद उनके सामने खड़े होके आपको सरसों का तेल निकलवाना है। फिर क्या करना है, इसको निकलवा के लेके आए, एकदम 100% प्योर रहता है। कैसे पता चलता है, काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लगती है, अगर आप उसको देखेंगे काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहता है वो। तो इसको लेके आए, हल्का सा गर्म करें, मतलब ना के बराबर गर्म होना नहीं चाहिए, लेकिन हल्का सा गर्म करना है आपको। तो उसको अपने सर पे मालिश करनी है, रात को सोते समय लगा के छोड़ देना, सुबह उठ के धो लेना। इससे क्या होगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, ये सबसे पहला काम हो गया। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आंवला और एलोवेरा और हनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल झड़ने बंद हो जाए तो प्लीज़ इसका सेवन करना स्टार्ट कर दें। साथ ही साथ जिनको डैंड्रफ है वो क्या करें, हफ्ते में एक बार दही ले, एक कटोरी खट्टा दही, 6-7 दिन पुराना होना चाहिए। उसके बीच में आपको क्या डालना है, नीम की पत्तियों का रस, कहीं से भी आपको मिल जाएगा आसानी से, आसपास घर में जो पौधे लगे होते हैं, मिक्स करके सर पे लगा लीजिए और आधा घंटा बाल धोने से पहले इसको छोड़ दीजिए, तो फिर धो लीजिए। कोई भी माइल्ड शैम्पू से धोना है, या फिर साबुन भी लगा सकते हैं आप, देसी साबुन जो होता है, शैम्पू ना ही लगाएं, क्योंकि शैम्पू भी बालों को पतला करता है। इसके अलावा रात को टाइम पर सोएं और जितनी नींद चाहिए होती है उतनी ज़रूर लें, और सुबह टाइम पे उठ के योगा और या फिर कोई जिम या फिर कोई रनिंग ज़रूर करें, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए। तो यही बेसिक चीज़ें होती हैं, जब तक आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, आपका कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तक काम नहीं करने वाला आपके ऊपर, आप कुछ भी लेकर आइए मार्केट से। इसीलिए आप लोग बोलते हैं, कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप पतंजलि के प्रोडक्ट्स बताते हैं, मुझे तो हेल्प हो नहीं रही उससे। कारण यही रहता है, क्योंकि आप यूज़ तो कर रहे हैं उनको, लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं दे रहे, मैं जो आपको डाइट बताता हूँ वो फॉलो नहीं करते, तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर दें। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी कर दें अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, तो हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।